हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने बात नहीं की है, तो चलिए आज बात कर लेते हैं। हालांकि हमने उस पर वीडियोस क्रिएट किए हैं, लेकिन उसका नाम लेकर वीडियो नहीं क्रिएट किया है। तो आज हम RDBMS की बात करने वाले हैं। तो कुछ RDBMS के पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे Oracle है, SQL है, MySQL है, ठीक है, Amazon का भी एक बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसका यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ब्लैंक डेटाबेस पे कर देता हूं क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पर ये क्रिएट का ऑप्शन आएगा, यहां पे क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक और फिर यहां पर व्यू पर कर दीजिए क्लिक। पहला जो टेबल मैं बना रहा हूं, स्टूडेंट का ही मैं टेबल हमेशा एग्जाम्पल में लेता हूं, तो स्टूडेंट टी कर देता हूं इसका नाम। यहां पर स्टूडेंट टी कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहां पर आईडी आ रही है। अब आईडी यहां पर क्या करना है, हमें रोल नंबर कर देना है, रोल नंबर, ओके, और इसे रखते हैं ऑटो नंबर, ठीक है। और फिर यहां पे कर देता हूं फर्स्ट नेम, इसे रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। फिर यहां पे कर देता हूं लास्ट नेम, ओके, तो इसे भी शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। और फिर यहां पे आएगी स्टूडेंट की सिटी, तो यहां पे सिटी कर देता हूं। और सिटी करने के बाद फिर यहां पे आएगा डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहां करता हूं डेट, डी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहां पर आ गए। अब यहां पर हमें डेटा टाइप चूज करना है, तो यहां पे कर देता हूं डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, यहां पर जैसे ही आएंगे आप, तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेट, ठीक है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फील्ड नेम दे देता हूं स्टेट। यहां पर भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है और यहां व्यू पे क्लिक करना है और यहां यस कर देना है। अब ये इस तरीके से आपके सामने आएगा, अब इसमें कुछ डेटा आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहां पे तीन स्टूडेंट का डेटा हमने फीड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको यहां से कर देता हूं क्लोज, सेव कर लेने के बाद इसे कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब जो दूसरी टेबल हमें बनानी है, वो बनानी है इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो पढ़ाएगा उसकी, ठीक है। तो यहां पर अब फिर व्यू पे कर देता हूं क्लिक और इसे हम नाम देंगे इंस्ट्रक्टर टी, यानी इंस्ट्रक्टर का टेबल, जो टीचर है उसके लिए हम ये टेबल अब बनाएंगे, तो इंस्ट्रक्टर टी कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर आएगा इंस्ट्रक्टर आईडी, तो यहां लिख देता हूं इंस्ट्रक्टर आईडी, ओके, और इसे भी चाहे तो आप ऑटो नंबर रख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अब हम करेंगे टाइटल, अब ये टाइटल में हम थोड़ा ड्रॉपडाउन क्रिएट करेंगे। ये ड्रॉपडाउन कैसे क्रिएट होगा मैं आपको दिखाता हूं, लुकअप विजार्ड का यूज करना है। ये लुकअप विजार्ड पे आप जाइए और यहां से आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट, यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर मैं कर देता हूं मिस्टर, ठीक है, और यहां पर सेकेंड नाम कर देता हूं MRS, यानी मिसेस, मिस, ठीक है, तो मिसेस कर दिया और ये मिस्टर कर दिया और फिर यहां पे MS, ओके, इस तरह से हमने कर दिया। अब यहां पर ये देख सकते हैं टाइटल हमने दे दिया है। अब फिर यहां पे टीचर का जो फर्स्ट नेम है और फिर यहां पर टेक्स्ट रहेगा शॉर्ट टेक्स्ट, फिर यहां लास्ट नेम आएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर आएगी सिटी, किस सिटी का ये टीचर बिलोंग करता है, तो ये आएगी। और फिर इनका कॉन्टेक्ट, तो यहां कर दिया हमने कॉन्टेक्ट नंबर, ओके, तो ये कर दिया हमने। और कॉन्टेक्ट नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा, यहां पर जो है हम नंबर डेटा टाइप ले सकते हैं या शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेता हूं। अब यहां पर आएंगे तो फिर इनकी सिटी तो हमने पहले ही लिख ली है, तो अब सिटी लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर ओके प्रेस कीजिए और यहां से यस कर दीजिए। अब ये थोड़ा डेटा हमें यहां पर भी फिल करना होगा, यहां पर जैसे ही जाएंगे तो यहां पर देखिए तीन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। मिस्टर कर लेता हूं, ठीक है, यहां कर देता हूं गोरखपुर, ठीक है, और यहां पर जो है जो फोन नंबर है वो आ जाएगा। फिर यहां पर आएंगे, फिर यहां से आप चूज कर सकते हैं ड्रॉपडाउन से, यहां पे मिसेज ले लेते हैं और यहां पे कर देता हूं मैं पूनम सिंह, ठीक है, और ये कर देता हूं देवरिया, और फिर यहाँ पे फोन नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह से करके हमने ये दो टेबल बना ली। अब इसको भी कर देता हूँ सेव और फिर कर देता हूँ क्लोज, ओके, तो ये क्लोज कर दिया, यानी दो टेबल हमारे पास हो चुकी है। और अब एक लेसन के लिए टेबल बनाएंगे कि हम कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे आए, यहां पे आए और यहां पे इस टेबल को मैं नाम दूंगा लेसन टी, यानी लेसन टेबल, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं ये प्राइमरी की है, ठीक है, तो यहां पे मैं कर देता हूं लेसन नेम, ओके,
और लेसन नेम करने के बाद यहां पर रखेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, और यहां पर फिर हम करेंगे रोल नंबर। तो ये रोल नंबर कर दिया और रोल नंबर को नंबर डेटा टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से नंबर कर लिया हमने और फिर यहां पर इंस्ट्रक्टर की आईडी आएगी, तो इंस्ट्रक्टर आईडी कर देता हूं और यहां पे हमें रखना है नंबर डेटा टाइप, ठीक है। और फिर यहां पे टीचिंग डेट आएगी, तो यहां टीचिंग डेट और इसे रखेंगे डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ठीक है। यहां से डेट एंड टाइम डेटा टाइप चूज कर लेंगे और स्टार्टिंग टाइम, तो स्टार्टिंग का क्या टाइम है वो चीज यहां पे आएगी, तो यहां पे कर देता हूं टाइम। और यहां पे आएंगे तो यहां पर फिर हमें डेट एंड टाइम डेटा टाइप ही लेना है और ओके प्रेस कर देंगे। यहां पर भी कुछ डेटा हमें फिट करना होगा, यहां पर भी करना होगा और ये इंस्ट्रक्टर वाले टेबल में तो हम कर ही चुके हैं, यहां पर तो कर ही चुके हैं, तो लेसन वाले में अब हमें डेटा फिट करना है, तो यहां पर लेसन नेम करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहां कर देते हैं DBMS, ठीक है। अगर हम DBMS हर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो फिर यहां पर चूंकि हमने लेसन नेम दिया हुआ है तो ये प्राइमरी की है, ठीक है, तो एक ही बार हमें ये टाइप करने देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से जाकर के एक काम और कर लेते हैं, यहां पे एक ऊपर रो इंसर्ट करा लेते हैं और इसे बना देते हैं हम प्राइमरी की, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहां से प्राइमरी की हटा देते हैं और यहां पे इसे हम बनाएंगे प्राइमरी की। तो पहले लिख लेते हैं, ये कर देता हूं मैं लेसन नंबर, ठीक है, ये कर दिया हमने। और फिर यहां पे लेसन नंबर को बनाएंगे नंबर डेटा टाइप या ऑटो नंबर रख सकते हैं हम, तो यहां से ऑटो नंबर ही कर लेता हूं, ऑटो नंबर, ठीक है। तो ये ऑटो नंबर हो गया और यहां से ओके प्रेस कर देंगे। अच्छा, ओके प्रेस करने के पहले यहां पे इसे प्राइमरी की भी बनाना है, तो यहां पे रख करके प्राइमरी की पर क्लिक कर दीजिए, ये प्राइमरी की बन जाएगी। अब ये इस तरह से आएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं लेसन नंबर 1 आ रहा है, ये DBMS है। फिर यहां पे DBMS आप टाइप कर सकते हो, आपको ये टाइप करने देगा, अगर आपने प्राइमरी की बना दिया होता तो ये टाइप नहीं करने देता। तो ये 2 हो गया और यहां पे इंस्ट्रक्टर आईडी भी आएगी, तो यहां पे इंस्ट्रक्टर आईडी ये 1 कर दिया हमने और फिर यहां पे इंस्ट्रक्टर आईडी 2 कर देता हूं, ठीक है, ऐसे ही करके ये चलेगा। अब ये टीचिंग की डेट आ रही है यहां पे, तो यहां पे डबल क्लिक कर लेता हूं, इसे रिसाइज कर लेता हूं, टीचिंग की डेट जैसे मान लीजिए आज ही की डेट मैं ले लेता हूं, ठीक है, 4 तारीख, यहां पर भी 4 तारीख कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग टाइम है, तो स्टार्टिंग टाइम हमें कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए सुबह 8:30 पे क्लास स्टार्ट होता है, इसी तरह से DBMS यहां पर भी आ गया और यहां पर भी ये टाइमिंग जो है यहां पे दे दूंगा, तो यहां पे कर देता हूं 8:30 कर दिया हमने और यहां पे आ जाएंगे। और सिटी क्या है, तो जो भी सिटी है इनकी वो सिटी यहां पे आ जाएगी, ठीक है, सिटी अभी मैं नहीं लिखता, अभी यहां पे आ जाता हूं। अभी फिर यहां पे आएंगे, ये DBMS थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। फिर यहां पे अगर DBMS करता हूं मैं तो यहां पे आएंगे, फिर यहां पे 3 कर दूंगा और फिर यहां पे भी 3 रहेगा और फिर यहां पर 4 तारीख की डेट होगी और 8:30। आप चाहे तो ये DBMS कर रहा हूं मैं लाइन से, ठीक है, तो ये एक डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूं, आप चाहे तो इसमें ये जो इंस्ट्रक्टर आईडी है ये सब चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर आईडी को आप कर सकते हैं A01, रोल नंबर को कर सकते हैं B01, ऐसे करके आप लिखेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पे जो भी सिटी है वो सिटी का नाम आप दे सकते हैं, फिलहाल अभी छोड़ता हूं। अब एक और टेबल हमें बनानी है, ठीक है, यहां से क्रिएट पे जाके फिर टेबल पे जाके फिर यहां पे व्यू पे आ जाएंगे और अब हमें टेबल बनानी है लेसन टाइप के लिए, ठीक है, तो यहां कर देता हूं लेसन और टाइप, ठीक है, तो ये लेसन टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। यहां पे जैसा कि आपने देखा लेसन टी में, यहां पे लेसन टी जो हमने लिया है इसमें लेसन नेम लिया है हमने और यहां पे लेसन नंबर लिया है, ठीक है, तो हमें यहां पे लेसन टाइप में आना है और पहले क्या करना है, यहां पे लिखना है लेसन नंबर, ठीक है, ये लिखना है और इसे मैं रख देता हूं नंबर डेटा टाइप, ओके। और फिर यहां पे अब क्या आएगा, अब आएगा लेसन नेम, तो यहां कर देता हूं लेसन नेम, ओके, इसे हम रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट और बस इतना ही, यहां से ओके प्रेस किया। आप चाहे तो यहां एंडिंग टाइम भी लिख दे सकते हैं, यहां पे एंडिंग टाइम,
तो यहाँ पे एंडिंग टाइम आएगा और यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम डेटा टाइप ही रखना होगा, ये बात ध्यान देनी है। और यहाँ से ओके प्रेस कीजिए और यहाँ से ओके प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए लेसन नंबर आ रहा है 0, तो यहाँ 1 कर देता हूँ लेसन नंबर। और लेसन नेम तो यहाँ पे हमने दिया था DBMS, तो DBMS कर दिया हमने। यहाँ पर आएंगे एंडिंग टाइम कितने बजे क्लास खत्म होती है, तो मान लीजिए कि 8:30 बजे स्टार्ट हुआ, 12:30 बजे खत्म होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 12:30, तो 12:30 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आप लेसन नंबर 2 आएगा, फिर यहाँ करता हूँ जो लेसन नंबर 2 होगा वो आ जाएगा। लेसन नंबर 2 भी हमारा है DBMS, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर 12:30 पे ये क्लास ओवर होगा। और लेसन नंबर 3 भी हमारा DBMS से रिलेटेड है, तो यहाँ कर देता हूँ DBMS, ठीक है। और यहाँ पर 12:30 ये दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर ओके प्रेस किया, अब इन सारे टेबल्स को सेव कर करके क्लोज करना है आपको। तो ये पहला टेबल क्लोज हो गया, सेव किया, ये दूसरा टेबल क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सेव किया, फिर यहाँ से तीसरा टेबल क्लोज हो गया, फिर यहाँ से लेसन टी इसको भी सेव करके और क्लोज कर देंगे। तो ये क्लोज कर दिया हमने, अब हमें सीधा जाना है डेटाबेस टूल्स पर और यहाँ आना है रिलेशनशिप पर। तो ये चारों टेबल आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, आपको ऐड कराते चलना है। इंस्ट्रक्टर टेबल ऐड करा दिया, लेसन टाइप वाला टेबल ऐड करा दिया, लेसन टी वाला टेबल ऐड करा दिया, और एट लास्ट स्टूडेंट टी वाला टेबल भी हमने ऐड करा दिया है। अब इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, हम किस हिसाब से हमें रखना है ये चीज हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रोल नंबर आ रहा है, रोल नंबर को लिंक करना है रोल नंबर से, ठीक है। यहाँ पे आप रोल नंबर पे लेके चले जाइए और यहाँ से ध्यान रखिए कि टेबल को आप ऑफ कर दीजिए, टेबल को आप क्लोज कर दीजिए, नहीं तो ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगी, ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब लेसन नंबर है, तो लेसन नंबर और लेसन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों प्राइमरी की है, तो इसे ऐसे। यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमने दोनों को प्राइमरी की बना दिया है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है। तो यहां से इसे मैं क्या करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर एक और ऊपर में रो इंसर्ट करा देता हूँ और यहाँ पर इसे आईडी एक नाम दे देता हूँ और यहाँ पर इसे कर देता हूँ मैं ऑटो नंबर, ठीक है। और इसे नंबर रखेंगे हम और यहाँ पर इस पर दोबारा क्लिक करके और फिर इसे बना देंगे हम प्राइमरी की, ठीक है। और इसे टेक्स्ट भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, तो नंबर ही रखता हूं मैं। और यहाँ पर ओके करेंगे और फिर यहाँ पे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब ये सेव हो चुका है, इसको हम यहाँ से भी सेव कर लेते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे ये रिलेशनशिप हमारी, इसको भी अभी क्लोज कर देते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे हम। और फिर दोबारा से यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पर रिलेशनशिप पे आते हैं, तो ये इस तरह से एड टेबल्स पे जाएंगे, ठीक है। दो टेबल्स में हम रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रिएट करा चुके हैं, स्टूडेंट टी और लेसन टी, ठीक है। लेसन टाइप को लेके आएंगे यहाँ पे, ये जो लेसन टाइप दिख रहा है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। स्टूडेंट टी हम पहले ले चुके हैं, लेसन टी ले ही चुके हैं, इंस्ट्रक्टर वाला जो टेबल है उसे हमें लेना है, तो ये इंस्ट्रक्टर वाला टेबल भी आ गया। अब थोड़ा इसमें समझिए, इसको इन दोनों को ऐसे लेके आता हूं मैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर आईडी है, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर आईडी आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से आप उठा के लाइए और इससे रिलेशनशिप क्रिएट करा दीजिए। तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, यहां से ओके किया, यहां से ओके किया, यहां से ओके किया, तो इसमें भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब एक बज गया आपका लेसन नंबर, तो लेसन नंबर देखिए कहां पे दिया हुआ है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको लेसन नंबर दिखाई पड़ जाएगा। तो ये लेसन नंबर को उठाइए और यहां से रिलेशनशिप बिल्ड करवा दीजिए, ये यहां से, यहां से और यहां से ओके कर दीजिए। तो ये इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट होगा, इसको थोड़ा अरेंज वे में मैं कर देता हूं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ये इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। इसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फायदा क्या है इसका, फायदा ये है, पहले इसको सेव कर देता हूं। अब ये फायदा इसका ये है कि जैसे ही हम, जैसे मान लीजिए लेसन टी वाले टेबल पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेसन नंबर 1 चल रहा है और लेसन का नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रोल नंबर 1 पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आईडी जो टीचर की है वो 1 है और टीचिंग डेट है और यहाँ पे सिटी दिया ही हुआ है। अगर आप सिटी डाल देंगे तो वो सारी सिटीज आपको दिखाई पड़ेंगी, इस तरह से आप ये क्रिएट करा सकते हैं। तो एक ही जगह सारी चीजें दिख जाएंगी आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे, टीचर का नाम वगैरह सब कुछ डिस्प्ले होगा, डेट टाइम सब डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि रिलेशनल डेटाबेस का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।